कोई रिस्पेक्ट जो लोग सोचेला कि ना वल्गरिटी देखावल जरूरी बा या गंदगा गंदा माहौल बनावल जरूरी बा, वो जरूरी नहीं है। अच्छा चीज हमेशा अच्छा होला और अच्छाई हमेशा सराहल जाला, देरी होला थोड़ा बट सराहल जरूर जाला। तो हम ये चाहें कि भोजपुरी में भी ये लोग कहे ना, अब बंगाली लोग सत्यजीत राय कितना मशहूर बना, बंगाल में कभी कोई गंदगी ना दिखाएला, कहाँ यथार्थ यथार्थ ज़्यादा दिखाएला। साउथ में सब कुछ दिखाएला लेकिन साउथ इंडियन के अपना कल्चर से बाहर ही लोग ना जाला। अगर हिंदी के नकल बनाए लो तो साउथ में साउथ स्टाइल से बनाए लो, हिंदी के स्टाइल से ना बना लो तो फिर हमार भोजपुरी का है ना, और भोजपुरी का है ना उतना नाम कमाता, वो भी कहे ना ऑस्कर में जाता, ओकरो कहे नहीं कि अवार्ड मिलत बढ़िया गवर्नमेंट से, थोड़ा बहुत कोशिश कैला से हो जाए। लेकिन लोग चाहेला भोजपुरी में लोग चाहेला, एगो तो डिफरेंस है जितना भाग, अगर हीरोइन हीरो के अगर तू करोड़ देता रहो तो हीरोइन के 1 लाख देता, ये फर्क बढ़िया। और अगर हीरोइन के 1 लाख देता रहो तो कैरेक्टर आर्टिस्ट के तू चाहबा कि 10,000 में काम कर, बैलेंस नहीं है। तो इन बैलेंस होने से क्या होता है कि जेकर जरूरत नहीं है वो स्क्रीन पे ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लेता, और टाइम लेला पर अनर्गल चीज ही होला। अरे कहानी से जरा भी पृथक आप जाएंगे, जरा भी अलग करेंगे कहानी को, तो कहानी में अगर मरना है तो मरना ही दिखाएंगे, लेकिन अब उसको आप लंबा करेंगे तो उसमें कुछ तो कुछ जोड़ेंगे, एक बात ये हो जाती है। दूसरी बात, हमारे जो भोजपुरी के प्रोड्यूसर्स हैं उनमें कला से ज़्यादा पैसे का महत्व ज़्यादा हो गया, मतलब कम पैसे में कैसे ज़्यादा हम अर्निंग कर सके ये भावना भी है। आर्ट के प्रति डिवोशन नहीं है, एक होता है ना कला के प्रति हमारे को बहुत डिवोशन है, जैसे ऋषिदा बनाए, ऋषिदा क्या बल्गर फिल्म बनाते कितनी हिट होती, या बासु चटर्जी बनाए, या बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी फिल्में बनाई, या बीआर चोपड़ा की वो बनी थी बागवान, आपने देखा, कहीं कोई गंदगी नहीं है लेकिन कितनी सुपर डुपर हिट हुई। तो ये सोचना कि हम फिल्म चाहे जैसे तैसे बना दे, आदमी की कमजोरियों को पकड़ के उसको भुना ले, वो नहीं होना चाहिए। और हमारे यहाँ भोजपुरी वाले मुझसे गुस्साएंगे, एक बार किसी ने कहा आप क्या चाहती हैं कि भोजपुरी गांव में ही रहे शहर नहीं आए, एक प्रोड्यूसर, मैंने कुछ लिखा था किसी मैगजीन में, तो एक प्रोड्यूसर बोले कि आप क्या चाहती हैं कि भोजपुरी फिल्म गाँव में ही रहे शहर नहीं आए। मैंने शहर आने का मतलब क्या होता है, मैं भी तो ठेठ गाँव से आई हूँ, मैं शहर में भी आई हूँ और फिल्म में भी आई हूँ, कौन सा मुझे आपने अनर्गल बातचीत या एक्सपोजर देखा है, तो क्या मैं अभिनेत्री नहीं हूँ। तो बाबू ये होता है कि हमें थोड़ा सा निस्वार्थ भाव से अपनी भाषा के लिए भी कुछ करना चाहिए। पैसा तो ठीक है, पैसा तो एक बिजनेस से हर कोई कमाना चाहता है, लेकिन ना सही हम इतना का थोड़ा कम भी कमाएं और अपनी भाषा को आगे बढ़ाएं, अपने कल्चर को आगे बढ़ाएं, वो होना चाहिए। और क्या होता है ना कि आपको कोई चीज़ अच्छी अच्छी देते जाओगे तो फिर आपकी आदत बन जाती है अच्छी चीज़ देखने की, सुनने की, कहने की, है ना।